काफी हॉट हो, आई लाइक यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यार तुम, मेरा फोन आ रहा है, तुम लोग खाना खाओ। ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम ना मेरे दोस्त की बीवी हो, मेरी भाभी लगती हो तुम मुझ पे टोरे डाल रही हो। तो क्या हुआ, भाभी हो तो क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? अच्छे लगे तुम, इसलिए तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा है। अब तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या? बात चलती है भाई, मुझे तुझसे एक बात करनी है। ये देख अपनी बीवी की हरकत। क्या हाँ, ये तो मेरी बीवी की हैंडराइटिंग। अरे नहीं नहीं, ये तो, ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये क्या घटिया हरकत करी है तूने मेरे दोस्त के साथ? मैं आपको बता, चुप रहो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ ये करोगी और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? तुम जानती हो हमारी दोस्ती कब से है? पूरे 25 साल से, बचपन से हम दोस्त हैं। तुम्हारा ये जादू ना और ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझ में आई? तुम ना मेरे लिए बहुत बाद में हो, सबसे पहले मेरा भाई जैसा दोस्त है। तुझे शर्म नहीं है ये सब हरकतें करते हुए? ये मेरा भाई जैसा दोस्त है और तूने इसके ऊपर ही गंदी निगाह रखी। आज तूने मेरे दोस्त के सामने ना मेरी नाक कटवा दी कसम से। यार अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ है हमारी शादी को, और अभी से तेरा जी भर गया मेरे से। जो तू औरों पे डोरे डालने लगी, वो भी मेरे सच्चे दोस्त पे डोरे डाल रही है तू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी घटिया औरों से शादी की है। भाई मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है, तेरी शादी बहुत गलत लड़की से हो गई है। सही बोल रहा है भाई तू, किस घटिया लड़की से शादी कर ली मैंने भाई। लेकिन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरा सच्चा दोस्त है। चाहता तो तू भी इसकी तरह धोखेबाज निकल सकता था, लेकिन तूने मुझे सारी सच्चाई बताई, शुक्रिया। भाई मेरी जिंदगी में ना तेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, और कभी हमारी दोस्ती किसी लड़की की वजह से खराब नहीं होने दूंगा मैं। मुझे जान के बहुत बुरा लगा कि तेरी ऐसी लड़की से शादी हो गई। I'm really sorry bro, तेरे पे छोटा सा प्रैंक हो गया। एक मिनट, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? क्या बोला था मैंने तुम्हें कि ये मेरे बाकी दोस्त जैसा धोखेबाज नहीं, ये मेरा सच्चा दोस्त है। बचपन से हम दोनों साथ में हैं, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मुझे दुनिया में ना हर कोई धोखा दे के जा सकता है, लेकिन ये इंसान नहीं, क्योंकि ये मेरा सच्चा पक्का दोस्त है। अरे यार क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ ये सब प्रैंक हो रहा था। हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, यहाँ तुम्हारा फ्रेंडशिप का लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था। कुछ दिनों पहले इनके एक फ्रेंड ने इनके साथ बहुत गलत किया था, तब से मैं इनको ताने सुनाती फिरती हूँ कि अपनी यारी दोस्तियाँ कम कर दो। फिर उन्होंने मुझे तुम्हारा एग्जांपल दिया, और बाय चांस उसी दिन तुम्हारा फोन भी आ गया कि भाई मिलते हैं, तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आता हूं। तो मैंने मना कर दिया कि तुम्हारे कोई दोस्त काम का नहीं, कोई जुटनी है मिलने की। तो इन्होंने जी मुझे एग्जांपल दिया कि मुझे दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी चीट कर सकता है, लेकिन ये दोस्त, ये मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी ही बात है, इतना ही विश्वास है अपनी दोस्ती पर, तो एक लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं। इसलिए ये सब प्रैंक हो रहा था तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे दोस्त ने ना आज मुझे गलत प्रूव कर दिया। सच में यार तुम दोनों बहुत बड़े पागल हो। सॉरी यार, ये हम दोनों का प्लान था तेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए। अरे मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, पर तेरी भाभी को थोड़ी सी श्योरिटी देनी थी यार, पूरा मत मानियो मेरी जान। चलो बैठो खाना खाओ। यार खाना तो खत्म हो गया, ऐसा भी कौन मजाक करता है? अरे सॉरी भाई यार, अब इतने टाइम बाद तू आया विदेश से, तेरे साथ थोड़ी मस्ती मजाक तो बनता था। आज भाभी के सामने तूने प्रूफ कर ही दिया कि हम दोनों कितने सच्चे और पक्के दोस्त हैं। ये मेरा सच्चा यार, कसम से भाभी आपने ना मुझे बहुत सीरियस कर दिया था।